guys, welcome to the channel Tour on Two Wheels. Now time is 5:30 in the morning and we are going Jaipur, the pink city. 4 se 5 ghante lagenge pahunchne mein, so let's go. सो टाइम हो रहा है 7:30। अब हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए क्योंकि सुबह निकलते हैं 5:30, कुछ खाए पिए बिना। अब लग रही है भूख, तो अब करेंगे ब्रेकफास्ट। So guys, now we are at Amer Fort. As per our guide, Amer Fort was built by Minas but later on ruled by Raja Man Singh. So it took approx 25 years to build, 1589 to 1614. गुम्मत उसमें सैनिक खड़े होकर ड्रम बजा के राजा को मैसेज करते थे, राजा को कब युद्ध करना है, कौन सा युद्ध बंद करना है, वो सूचना देने। दीवार बनी 12 किलोमीटर, ये पूरी दीवार 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर, तीनों फोर्ट को सवार सुरक्षा के लिए बनाई गई। ये कहाँ तक है दीवार, वहाँ तक? हाँ, ये दिल्ली रोड पूरा चौथ रोड। अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट है? हाँ, नारगढ़ से स्टार्ट है और तीनों फोर्ट को घेर रखे पीछे यहाँ तक स्टार्ट है। अच्छा, जिस गार्डन से आपने एंट्री किया था, इसका गार्डन नाम दिलाराम बाग, सामने वाला गार्डन उसका नाम मोहन बाग। ये दोनों पैलेस के आर्किटेक्चर थे, पैलेस को बनाने वाले कारीगर। सबसे पहले उन्होंने पैलेस का मैप बनाया, मैप बना के सवाई मानसिंह को पेश किया। सवाई मानसिंह जी उस मैप के अंदर में दोनों को कारीगर देखे और कारीगर देखने के बाद दोनों को इनाम देने की कोशिश किया। उनसे पूछा, आपको क्या इनाम चाहिए, आपकी कारीगर पर्सन हुई। तो सवाई मानसिंह जो आर्किटेक्चर थे, उन्होंने बोला, महाराज आपके सब कुछ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो इतने कीजिए। से अपने नाम पर पैलेस बनाया आपने, वैसा हमारे नाम पर तो गार्डन बना दीजिए, हमारे नाम रोशन कर दीजिए। तो फर्स्ट जो कारीगर था उसका नाम दिलाराम था, उसके नाम दिलाराम गार्डन बनाया। सेकेंड जो कारीगर था उसका मोहन लाल था, उसका मोहन गार्डन बनाया सामने वाला। तो बीच में तालाब दिया गया, वो है मोहन गार्डन और ये दिलाराम, ये है दिलाराम गार्डन। दोनों कारीगर दो गार्डन बनाए गए। तो ये दो आर्किटेक्चर थे, उनके नाम पे ये दो गार्डन बनाए गए हैं। एक ये है और वो है मोहन गार्डन और ये है दिलाराम गार्डन। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज्वेलरी बॉक्स, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा ज्वेलरी बॉक्स है, जिसमें राजा मान जितना भी खजाना जीत के लाते थे उसमें जमा करते थे। अभी जो बॉक्स है खाली, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये बॉक्स है खाली पड़ा हुआ है। इस आमिर फोर्ट डन, नाउ वी आर गोइंग टू नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। पहले अगर मैं बात करूँ नाहरगढ़ फोर्ट में देखने लायक क्या है, तो देखने लायक है सिर्फ दो ही चीज़ें। एक है जयपुर का व्यू, क्योंकि नाहरगढ़ जयपुर के टॉप पे है, तो वहाँ से पूरा जयपुर सिटी दिखता है।
और सेकंड है सनसेट व्यू। आई डोंट थिंक सो कि हम सनसेट व्यू कवर कर पाएंगे क्योंकि हमको होटल टाइमली पहुंचना है। और सेकंड जो जयपुर व्यू है वो हम ज़रूर देखेंगे, मैं तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए काफ़ी। अगर मैं बात करूँ टिकट्स की तो 50 rupees है इंडियन सिटीजन के लिए, 250 rupees है फॉरनर्स के लिए और 5 rupees है स्टूडेंट्स के लिए। टेम्परेचर अराउंड 28 होगा, ऊपर से बारिश हुई तो उसकी वजह से हवा भी ठंडी चल रही है। सो गाइस अभी मुझे रोका राजस्थान पुलिस ने, जो कांस्टेबल भाई साहब थे जिन्होंने मुझे रोका था, वो बोलते हैं कि आपका फ़ाइन कटेगा। मैंने पूछा क्यों कटेगा, तो उन्होंने पूछा कि आप ना फ़ोन यूज़ कर रहे थे। एक्चुअली क्या है कि मैंने ना अपना फ़ोन माउंट किया हुआ है अपने हेलमेट पे आगे शूट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि ना बाइक पे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो इसलिए आपका चलान कटेगा। तो मैंने बोला कि मैंने जैसे आगे माउंट किया हुआ है सिर्फ शूट करने के लिए, तो इस पे चलान थोड़ी कटेगा, ना मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ ना फ़ोन मेरे हाथ में है। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए उनको समझाने के लिए, बट वो भाई साहब मान ही नहीं रहे। तो फिर मैंने उनके सीनियर थे उनसे बात किया, तो उन्होंने फाइनली बोला ठीक है आप जाओ। और ये बना था 1734 में और इसको बनाया था राजा सवई जय सिंह ने। चलिए चलते हैं अंदर और चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और देखते हैं जयपुर सिटी का नज़ारा।
So guys, thanks for watching the video. Please like the video, subscribe the channel. If any suggestion, then comment below. So, milte hain next video mein. Till then, bye bye.